नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज कौन सा दिन है? आज है बुधवार, है ना। तो बुधवार के दिन क्या कहते हैं किस चीज़ की एक्सपायरी होती है अपनी बैंक निफ्टी की। तो आज जो हमने ट्रेड ले रखा होगा किसके ऊपर ले रखा होगा? बैंक निफ्टी के ऊपर। अच्छा, अब जो टाइम हो रहा है दोस्तों 5:13 हो रहा है। आज मैंने लाइव मार्केट के टाइम पे वीडियो बनाया नहीं, जो मैं आप लोगों ने देखा ही था मार्केट के अंदर कितना ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती थी। तो आज वैसे ही मार्केट दोस्तों 1500-1600 पॉइंट गैप डाउन मारा है मार्केट ने। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे मेरी स्क्रीन पे, और आप लोगों को वैसे ही पता ही होगा कि आज मार्केट 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन है ना। तो लेकिन फिर भी दोस्तों मैंने आप लोगों को जो अपनी रेंटल इनकम स्ट्रेटेजी बता रखी है उसके अंदर मैंने आज भी वही काम करा जैसे हम करते हैं। तो आज क्या हुआ था मॉर्निंग में, पहले ये देख लेते हैं निफ्टी बैंक ओपन कितने पे हुआ था। मेरे ख्याल से 40,500 के आसपास ओपन हुआ था। चालीस हजार 600 के आसपास ओपन हुआ था। पहली कैंडल देखो आप लोगों को नजर आ जाएगा, 40,600 के आसपास ओपन हुआ। और पहली 5 मिनट की कैंडल दोस्तों 47,100 पे पहुंच गया बैंक निफ्टी। उसके बाद जो दूसरी कैंडल थी उसमें बैंक निफ्टी ने आज अपना हाई मारा था जो 47,200 का। उसके बाद से मार्केट गिरती चली गई, और उसके बाद तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि 47,200 से फाइनली दोस्तों एक बार 46,000 भी तोड़ दिया था, है ना। 1000 पॉइंट से ज़्यादा की मूवमेंट तो दिन के अंदर ही आ गई थी। तो ये हुआ कैसे था कि आप लोगों को पता ही होगा, कल HDFC बैंक के रिजल्ट आए थे। तो आज HDFC बैंक मेरे ख्याल से 8% डाउन है, मॉर्निंग में 6-7% डाउन था, और लास्ट में जाते जाते शायद कितने परसेंट डाउन था बैंक निफ्टी आज, बैंक निफ्टी सॉरी HDFC बैंक की बात कर रहा हूँ। HDFC बैंक आज 8.5% डाउन है लगभग में। तो लेकिन हमने क्या करा था दोस्तों, तो मैंने बताया बैंक निफ्टी कितने पे ओपन हुआ था, 46,600 के आसपास। तो 46,600 के आसपास ओपन हुआ था। तो अगर मैं जाके दिखाऊँ आप लोगों को, आप लोग यहाँ पे फोकस करना। तो हमने क्या करा, 48,200 यानी 46,600 से अगर देखोगे 48,200 कितने पॉइंट हो गए, 1600 1600 1600 1600 पॉइंट के आसपास, है ना। हाँ, तो 1600 पॉइंट ऊपर यानी कि 48,200 वाली कॉल बेची, और नीचे कहाँ पे ओपन हुआ था, 46,600 पे। तो नीचे 1100 पॉइंट नीचे वाली पुट हमने शॉर्ट कर रखी है, यानी कि 1600 पॉइंट ऊपर की हमने कॉल को शॉर्ट कर रखा था, और 1100 पॉइंट नीचे की पुट को शॉर्ट कर रखा था। तो दोस्तों अगर आप देखोगे 3% के आसपास मैंने कॉल के अंदर मार्जिन ले रखा था, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुला था। तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट ऊपर निकल जाए, और नीचे मैं जब दिख ही रहा था कि 1500 पॉइंट पहले डाउन जा चुका है, तो 1100 पॉइंट ही मैंने रखी, मतलब 2-2.5% यहाँ पर भी देखने को मैंने गैप बना के रख रखा था अपना। तो लेकिन आज क्योंकि जब भी मार्केट में दोस्तों ये बताया था मैंने, इंडिया विक्स का भी बड़ा गेम रहता है। तो आज जब मार्केट गैप डाउन खुला तो इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा राइज था। तो अगर आप लोग देखोगे वैसे तो मैं 9:15 पे एंट्री ले लेता हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर मैंने वेट करा कि पहले एक बार हल्का सा मार्केट का देखें क्या चल रहा है। फिर मैंने 9:17 पर अपनी एंट्री ले रखी है। फिर उसके बाद तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि 48,200 वाली कॉल से फिर मैंने यहाँ से एग्जिट मारा, जब मुझे दिखा कि मार्केट और ज़्यादा नीचे जा रही है। ये देखो यहाँ से एग्जिट मारा, और इसके बाद क्या करा दोस्तों मैंने 48,200 के बाद क्या करा मैंने 47,600 वाली कॉल को शॉर्ट कर दिया इसकी जगह पर। और फिर 11:30 बजे के आसपास मैंने 47,600 वाली कॉल शॉर्ट कर दी। फिर मुझे दिखा कि मार्केट अभी और नीचे जा रही है, तो फिर मैंने क्या करा 47,600 से मैंने एग्जिट मारा, और फिर दोबारा अपन कहाँ चले गए, 47,200 वाली कॉल शॉर्ट कर दी। तो इन सब से क्या हुआ दोस्तों, आज जो आप लोगों को स्क्रीन पे प्रॉफिट नजर आ रहा है, ये कभी कभार होता है, साल में एक खास बार आपको इतना ज्यादा विक्स मिल जाएगा। अगर आप देखोगे दोस्तों तो आज 13 रुपये पे 48,200 वाली कॉल भी की है, मतलब 1600 पॉइंट ऊपर की कॉल भी दोस्तों 13 रुपये में चल दी है, बताओ। तो ऐसा बहुत मुश्किल होता है, वरना तो अगर आप देखोगे 1000 पॉइंट ऊपर की कॉल जो होती है दोस्तों 3 या 4 रुपए में बिक्री होती है नॉर्मली, ज़्यादा
ज़्यादा ज़्यादा 5 रुपये में बिक जाएगी, लेकिन आज 13 रुपये में 1600 पॉइंट ऊपर वाली बिक रही थी। तो यही है मार्केट, क्या देना होता है तो दे देती है दोस्तों, अगर आप लोग वेट करोगे तो। मैंने वही बताया आप लोगों के एसएल भी लगेंगे कभी कभार, हमारे एसएल भी लगते हैं और कभी कभार ऐसे अच्छे प्रॉफिट भी देखने को मिल जाते हैं। आप लोग अपना केवल रेगुलर करते रहेंगे, रेगुलर समझते रहेंगे, धीरे धीरे जब आप ट्रेड लेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा इंडेविक्स कैसे काम करता है, कैसे आप लोगों को बचना होता है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो दूसरा दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता ही रखा है हर एक वीडियो के अंदर दोस्तों, मेरा वेरीफाइड पेंडल होता है, आप लोग वहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हैं। जो भी मैं जैसे आज जो मैंने पेंडल बता रखा है आप लोगों को, वो कल भी नज़र आ जाएगा, है ना। तो कोई फेक नहीं है दोस्तों अपना, मैंने आप, लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं बता रहा हूँ, केवल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपकी एडिशनल इनकम होती है, आपको आपके पोर्टफोलियो पे 10-12% साल के एक्स्ट्रा बन जाएंगे, ये अपना 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस कहता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसी आशा के साथ जय श्री राधे।